वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग. कैन यू सी मी एवरीवन? प्लीज टेल मी. वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. कैन यू सी मी? प्लीज टेल मी. आई एम ऑडिबल टू यू ऑल ऑफ यू? सम टेक्निकल ग्लिच वॉज देयर जिसकी वजह से टाइमली क्लास नहीं हो पाई एंड आधा घंटा हम लोग लेट हो गए. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. आप लोगों ने वेट किया. इवोल्यूशन लगता है कि ग्रेजुअल प्रोसेस है ना, स्लो प्रोसेस है, तो ये शुरू ही नहीं होना चाह रहा. लाइक 15 को करना था एंड सम लैपटॉप इशूज वॉज देयर. आज करने का सोचा तो सम टेक्निकल ग्लिच वॉज देयर. चलिए कोई बात नहीं, फाइनली वी आर हियर. बताइए कैसे हैं आप सभी लोग. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम बैक, वेलकम टू गुरु मंत्र शिक्षा का ग्रंथ. कैसे हैं आप लोग बताइए. यस, आई ट्राइड माई बेस्ट. आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट कि चीज़ें हो पाए, इसलिए वो मतलब पर पता नहीं क्या टेक्निकल इशू हो रहा था. चलिए कोई बात नहीं. बताइए सभी के सभी कैसे हैं. हाउ आर यू एवरीवन? आई एम प्रिटी वेल, आई एम गुड. वॉट अबाउट यू? अभी आवाज़ आ रही है प्रॉपर्ली? ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर? अभी तो कोई इशू नहीं आई गेस. चलिए बहुत बढ़िया. तो ऑलरेडी वी आर लेट, सो लेट स्टार्ट विद द सेशन विदाउट एनी डिले, है ना? मैंने इन्फॉर्म कर दिया है. एंड द थिंग इज दैट माई लैपटॉप इज अंडर रिपेयर, जिससे मैं क्लास ले रही हूँ. दिस इज़ द वन आई बोरो फ्रॉम माई वन ऑफ माई फ्रेंड. तो थोड़ा सा इशूज मुझे फेस करने पड़ रहे हैं, हो सकता है आप लोगों को भी हो फेस करना. बट टाइमली जैसे जैसे चीज़ें होंगी मैं टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम गुरुमंत्र चैनल पर आपको इन्फॉर्म करती रहूँगी. तो मेक श्योर आप थोड़ा सा नोटिफिकेशन की तरफ ध्यान दें. कूल, चलिए. सो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर का फर्स्ट लेक्चर, जो ऑलरेडी टेस्ट सीरीज मैंने एक आप लोगों के लिए लॉन्च की है. डेफिनेटली हम इसको कंप्लीट करेंगे, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दो बातें. इनकेस आपने अभी तक गुरुमंत्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आप तक टाइमली पहुँचती रहें. टेलीग्राम चैनल गुरुमंत्र को भी ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहाँ पर भी मैं आपको काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट नोट्स, बुक्स, लिंक्स एंड बातें शेयर करती हूँ. ठीक है, इन दोनों के ही लिंक, चैनल तो आपके सामने है, टेलीग्राम का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी. ओके, सो गाइज बिफोर स्टार्टिंग थोड़ी सी बातें आप लोगों को याद रखनी है. अगेन वही बात है कि सेशन में आपको जितना आता है जितना नहीं आता डजेंट मैटर. इफ़ यू आर विलिंग टू लर्न, डेफिनेटली यू आर अ रॉक स्टार फॉर मी. ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा. यू आर अ रॉक स्टार फॉर योर सेल्फ टू. तो कितने भी मार्क्स आए नेवर माइंड, आपको सीखना है. आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा. टाइमर क्वेश्चन के साथ है ऑलरेडी, उसी टाइम में जो है आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. आज का जो हमारा लाइव टेस्ट होने वाला है, जिसमें हम सारी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, कुछ बातें भी सीखेंगे, दैट विल बी ऑफ 16 मार्क्स. सेक्शन बी का क्वेश्चन होता है, वहाँ पर 1 मिनट का टाइमर आपको दिखाई देगा 60 सेकेंड्स का. यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन इन 60 सेकेंड्स. 2 मार्क्स का पर्टिकुलरली वो क्वेश्चन होगा. इफ देर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी, यू विल बी अलॉटेड 120 सेकेंड्स, दैट इज 2 मिनट, एंड 4 मार्क का वो क्वेश्चन होगा. स्ट्रिक्टली CSIR के अकॉर्डिंग चलेंगे तो डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग इज देयर. तो 25% से आप नेगेटिव मार्किंग भी जो है वो कर दीजिएगा. पेन एंड नोटबुक अपने हाथ में रखिए, जरूरत पड़ेगी आंसर आप उसी में लिखोगे, राइट? बिकॉज आई डोंट हैव एनी पोल सिस्टम जहाँ पर जो मैं रन करूँ. एंड लास्ट में आप लोग फिर अपना स्कोर भी कैलकुलेट करोगे. ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू. प्लीज मुझे लास्ट में टोटल स्कोर भी बताइएगा. आर यू पीपल रेडी फॉर द टेस्ट? जस्ट गिव मी अ थम्स अप एवरीवन, एवरी वन ऑफ यू. चलिए ग्रेट ग्रेट, देन लेट स्टार्ट एवरीवन. ओके ओके, सो
तीन चीजों पे हमें काम करना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आई वॉन्ट कि हर एक सेशन के साथ आप ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंप्रूव करो, सीबीटी में बहुत ज्यादा जरूरत है। विजुअल इफिशियंसी अच्छी होनी चाहिए, कहाँ इनकरेक्ट, नॉट, मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट एक्यूरेट, बेस्ट पूछा है, लुक फॉर दैट। स्पीड अपनी मेंटेन करना, ऑलरेडी मैंने टाइम इसलिए कम रखा है ताकि आप स्पीड अपनी रख सके, लैंग्वेज पर कमांड रखना ताकि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के साथ आप अपना आंसर लिख सको। चलिए तो लेट्स स्टार्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। यूनिट नंबर 11, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, जिसका काफी अच्छा खासा वेटेज है। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी। मैं आप चुप हो रही हूँ, आप शुरू हो जाएं सभी के सभी, प्लीज गो फॉर इट। ओके, प्लीज स्टॉप एवरीवन, प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप, प्लीज गिव योर आंसर्स। ऑलरेडी काफी सारे स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं। चलिए ग्रेट। सो गाइस, ये जो क्वेश्चन है आपका कहाँ से, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर में आप एक सब पार्ट पढ़ते हो ब्रेन एंड मैकेनिज्म का, है ना। वहाँ पर हम सरकाडियन रिदम के बारे में पढ़ते हैं। सरकाडियन रिदम, इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं इसको, प्लांट्स में, इंसेक्ट्स में, मैमल्स में, सब में मिलती है। क्वेश्चन उसी से रेलेवेंट था, सीएसआईआर का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है ये सरकाडियन रिदम। क्वेश्चन था, इन सरकाडियन रिदम स्टडीज फॉलोइंग मे बी पॉसिबल जनरलाइजेशंस फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट एंट्रेनमेंट टू द डे नाइट साइकिल। आप देखते हो सरकाडियन रिदम में बेसिकली क्या होता है, आप स्टिमुलस के अकॉर्डिंग बॉडी काम करती है। जिस स्टिमुलस में से सबसे बड़ा स्टिमुलस है लाइट, है ना, आप लोगों ने भी ये चीज़ें नोटिस की होंगी। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल मॉलिक्यूलर क्लॉक। हमारी बॉडी जन्म के साथ ही बाहरी स्टिमुलस से एक इंटरनल क्लॉक चलाती है 24 आवर्स की, है ना। उसी के अकॉर्डिंग बॉडी में बहुत सारे जो है वो चेंजेस आते हैं। जैसे कि आप मॉर्निंग में देखोगे, मॉर्निंग में जब सूरज उगता है, वेन एवर देर इज अ सनलाइट, अलर्टनेस लेवल हाई रहता है बॉडी का, है ना। बीपी लेवल नॉर्मल रहता है। अगेन बॉवल मूवमेंट्स जो है वो अलाउ होती है, मेलेटोनिन का सिक्रेशन बहुत कम हो जाता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो लाइट का एंट्रेनमेंट या लाइट एज एन स्टिमुलस डे नाइट साइकिल पर कैसे काम करती है, वो आपको चार स्टेटमेंट्स दी हुई थी, जिसमें से बी स्टेटमेंट एंड डी स्टेटमेंट, दीज टू स्टेटमेंट्स आर वेरी करेक्ट। शॉर्टर एक्सपोजर्स हैव अ ग्रेटर इफेक्ट देन लॉन्गर एक्सपोजर्स, इज दैट ट्रू एवरीवन? कि आप छोटा एक्सपोजर दोगे, कम एक्सपोजर दोगे, तो उसका ज़्यादा प्रभाव आएगा एज कम्पेयर टू लॉन्गर एक्सपोजर्स। इज दैट ट्रू और फॉल्स? टेल मी एवरीवन, इज दैट ट्रू और फॉल्स, बताइए। दिस इज डेफिनेटली अ फॉल्स वन।
अगेन इसी के साथ ही आपके दो ऑप्शंस तो हट जाते थे यहाँ से, ठीक है। नाउ यू हैव टू रेक्टिफाई ओनली बिटवीन सी एंड डी टू सेव योर टाइम, क्योंकि बी दोनों में है, दैट इज़ अ कॉमन वन। ब्राइट लाइट का एक्सपोजर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू डिम लाइट। अगेन डिम लाइट कैन अफेक्ट एंटेनमेंट रिलेटिव टू डार्कनेस, दैट इज अगेन द वन दैट इज करेक्ट। कंप्लीटली डार्क है चीज़ें तो वहाँ पर इतना इफेक्ट नहीं आएगा, बट डिम लाइट अफेक्ट करेगी अगर आप उसको कंपेयर करते हो। फिर ये था इंटरमीडिएट लाइट एक्सपोजर, बीच बीच में आप एक्सपोजर दे रहे हो तो उसका ज़्यादा इफेक्ट आएगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कंसिस्टेंट लगातार जो एक्सपोजर दे रहे हो। दिस इज अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये चीज़ गलत है, सही नहीं है। दिस इज द राइट आंसर। एवरी वन जिसने भी ये आंसर दिया है अपनी कॉपी में 4 मार्क्स ऐड कर लो, जिन्होंने भी गलत आंसर दिया है -1 डिडक्ट कर लो। दिस इज अ ब्यूटिफुल डायग्राम दैट इज शोइंग सर्काडियन रिदम इन केस ऑफ ह्यूमंस। आप देख रहे हो 24 आवर्स की लाइफ साइकिल है। अगेन आप देखो जैसे जैसे रात होती है, ये देख रहे हो आप लोग, दिस इज अ नाइट वन, दिस इज अ डे, नून जब बिल्कुल 12 बज रहे होते हैं, ठीक है। दिस इज द डे जब लाइट आनी शुरू हो जाती है, एंड दिस इज व्हाट इवनिंग वाला टाइम। तो अगेन अगेन पूरा का पूरा क्लॉक में आपको दिखाई दे रहा है, आप लोग खुद भी महसूस करते हो। रात में जैसे जैसे रात होती जाती है मेलेटोनिन का सीक्रेशन शुरू हो जाता है, बिकॉज वो आपका एंजाइटी लेवल डाउन करता है, आपको रिलैक्स करता है, एंड आप स्लीप की तरफ बढ़ते हो। बोवल मूवमेंट्स जो है वो बिल्कुल सप्रेस हो जाते हैं, आपको फ्रेश होने की, आपको अपना जो है क्लियर होने की जो है वो ज़रूरत नहीं लगती, वो ऑलरेडी सप्रेस हो जाता है। लगभग रात के 2 से 3 बजे आप देखते हो आप डीपेस्ट स्लीप में चले जाते हो। सुबह बॉडी का तापमान टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, ठीक है। इस तरीके से चेंजेस होते हैं। सुबह के समय आप देखते हो मेलेटोनिन का सिक्रेशन कम हो जाता है, रात को वो 10-फोल्ड इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि लाइट का जो स्टिमुलस पड़ रहा है, यू डू हैव सर्टेन स्टिमुलस सराउंडिंग यू, जिसको चीज़ें रिसीव करती हैं, है ना। आप देखते हो जब आप किसी और कंट्री में ट्रैवल करते हो, आपने जहाँ से ट्रैवल किया लेट से वहाँ पर डे नाइट डे था, एंड जहाँ पर आपने ट्रैवल किया वहाँ पर नाइट है, तो आप लोग जो है, या आप लोगों ने सुना होगा जेट लैग का फंडा जो है वहाँ पर फॉलो करते हो, बिकॉज आपकी बॉडी उसी अकॉर्डिंग सेट है। अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ करोगे इंटरनल मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ, देन यू विल सी कि इफेक्ट्स आएंगे। रात रात भर जागो, देखना हेल्थ कितनी जल्दी डाउन जाएगी, है ना। तो ये सर्काडियन रिदम की वजह से ही होता है, जिसमें लाइट एज एन स्टिमुलस काम करती है। इज दैट क्लियर एवरीवन? जस्ट गिव मी अ थम्स अप, एंड एवरीवन प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। कूल, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लीज स्टार्ट एवरीवन। प्लीज स्टॉप एवरी वन, टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर, प्लीज स्टॉप एवरी वन। आई कैन सी वेराइटी ऑफ आंसर्स, आई कैन सी वेराइटी ऑफ आंसर्स। सी गाइस, जब इवोल्यूशन सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो CSIR, उसमें थ्योरी से रिलेवेंट काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। बहुत सारी थ्योरीज हैं इवोल्यूशन में, आप लेमार्किज्म के बारे में पढ़ते हो, आप डार्विन की थ्योरी पढ़ते हो, ऐसे ही आप मोटो किमूरा की थ्योरी पढ़ते हो, है ना, म्यूटेशन थ्योरी पढ़ते हो। इसके अलावा जो डी वेराइस ने दी थी, ऐसे ही मोटो किमुरा की थ्योरी पढ़ते हो, जो न्यूट्रल थ्योरी थी, है ना। तो आपको ये बताना था कि इसमें से क्या इनकरेक्ट था। अगेन आप देखो तो मोटो किमुरा जो साइंटिस्ट थे वो म्यूटेशंस को, जेनेटिक ड्रिफ्ट को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे, एंड उनका कहना था कि बेसिकली न्यूट्रल म्यूटेशंस होती हैं, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट काम करता है जो कि न्यूट्रैलिटी को लाता है। न्यूट्रल का मतलब न्यूट्रल, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा। डार्विन को अगर आप देखोगे, लेमार्किज्म को देखोगे, तो वो नेचुरल सेलेक्शन को, प्राकृतिक चयन को फेवर करते थे, जबकि ये जेनेटिक ड्रिफ्ट को ही ज़्यादा फेवर करते थे।
करेक्ट आंसर इज फोर्थ, क्योंकि एक फॉल्स स्टेटमेंट है एंड वही उसने आपसे पूछी है। बाकी में क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ इवोल्यूशन फॉर मोस्ट ऑफ द जीन्स विल बी इक्वल टू द न्यूट्रल म्यूटेशन रेट। ये मोटो किमोरा की थ्योरी का पार्ट था, दिस इज ट्रू। एडवांटेजियस म्यूटेशन आर एक्सीडिंगली रेयर, ये भी उनका कहना था, दिस इज अगेन ट्रू। एट द लेवल ऑफ डीएनए सीक्वेंस जेनेटिक ड्रिफ्ट डोमिनेट्स इवोल्यूशन, उनका कहना था जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो डोमिनेट करता है। एंड अगेन आप लोग देखते हैं ना, तो फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन था, राइट? आप आंसर जज भी कर सकते थे। यस, फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि उसने इनकरेक्ट पूछा है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन जो कि मोटो किमुरा ने दी थी, सेक्शन सी में भी इससे रिलेवेंट काफी बार मैच द कॉलम में आता है, आपको पता होना चाहिए। उनका कहना था कि मेजॉरिटी ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस जो होती हैं वो ड्रिफ्ट की वजह से होती हैं। याद है ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट अपन लोगों ने पढ़ा था, इंस्टेड ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो रेंडम वे में काम करता है वो अफेक्ट करता है फ्रिक्वेंसीज ऑफ बेनिफिशियल एंड हार्मफुल अलील्स। एंड उनका कहना था कि जेनेटिक ड्रिफ्ट दोनों पर काम करता है, हेल्पफुल पर भी, डिट्रीमेंटल पर भी, हार्मफुल पर भी, एंड एक रेंडम वे में काम करता है तो चीज़ें न्यूट्रल हो जाती हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट न्यूट्रल वेरिएशन को प्रमोट करता है जिसकी वजह से चीज़ें न्यूट्रल रह जाती हैं एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस रेट पर अफेक्ट नहीं पड़ता। जबकि डार्विन का कहना बिल्कुल अलग था, उनका कहना था कि नेचुरल सेलेक्शन इज द मेन सुपर पावर जो कि बेनिफिशियल ट्रेट्स को अप करती है, डेट्रीमेंटल हार्मफुल ट्रेट्स को डाउन करती है एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस को प्रमोट करती है एक इंडिविजुअल के। कूल एवरीवन, सिंपल सी थ्योरी है, दो नंबर ऐड कर लीजिए अगर आपका आंसर 1 था, अदरवाइज 0.5 को डिडक्ट कीजिए। मेक श्योर थ्योरीज के मेन हाइलाइट्स आपको पता होना चाहिए, रिपीटेडली काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज सी दिस क्वेश्चन एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट। स्वागतम, मैं आपका आंसर एक बार लास्ट में दूंगी, ठीक है? एक बार पहले हम सेशंस कर लें। प्लीज स्टॉप एवरी वन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन जो कि आपको ध्यान देना चाहिए था। आई कैन सी वेराइटी ऑफ आंसर्स, अगेन 1 भी ऑप्शन है, 2 भी ऑप्शन है, 3 भी ऑप्शन है, 4 भी ऑप्शन है। चलो एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। सी, जब आप लोग इवोल्यूशन पढ़ते हो वहाँ पर आप डिफरेंट टाइप ऑफ इवोल्यूशन पढ़ते हो ना, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, पैरेलल एवोल्यूशन, प्रोग्रेसिव, रेट्रोग्रेसिव, बहुत सारे पार्ट्स अपन लोग पढ़ते हैं ना। तो आप देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या पूछ रहा है वो आपसे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अगेन आपको इनकरेक्ट चीज जो है वो बतानी है कि इनकरेक्ट चीज क्या है ना। आप देखिए, लैंग्वेज पर आपको ध्यान देना था, सिमिलर ट्रेड्स मे का मतलब होता है शायद, है ना। इकोलॉजी इवोल्यूशन में हमेशा इंपॉर्टेंट रोल रहता है लैंग्वेज का, जिस पर आपको ध्यान देना है। बोल रहे सिमिलर ट्रेड्स में नॉट बी होमोलोगस, दिस इज अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये इस स्टेटमेंट में क्या जस्टिफाई करना चाहता है? एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी कि क्या बताना चाहता है? जी ये यहाँ पर बताना चाहता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को अपन लोग दो टाइप के पढ़ते हैं, एक अपन पढ़ते हैं कन्वर्जेंट, एक हम पढ़ते हैं डाइवर्जेंट। दोनों नाम से ही पता चल रहा है ना, नाम से। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है? फैलाव,
कि एक जगह पर कॉमन एंसेस्टर्स थे, ठीक है, एंड चीज़ें क्या हो गई, थोड़ा सा चीज़ें क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई, ठीक है, डाइवर्ज हो गई। ये अपन लोग देखते हैं किसमें, होमोलोगस में, जहाँ पर कॉमन एंसेस्टर सेम होते हैं एंड ड्यू टू द नीड चीज़ें जो हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं। कन्वर्जेंट का केस किस में हम देखते हैं, कन्वर्जेंट का केस अपन लोग देखते हैं एनालॉगस में, जहाँ पर कॉमन एंसेस्टर सेम नहीं होते एंड वो एक जगह पर आकर कन्वर्ज हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो एक ही जगह एक ही हैबिटेट में आकर कन्वर्ज हो रहे हैं, उसकी वजह से देखा जाता है कि सिमिलर ट्रेट्स जो हैं वो अराइज हो जाते हैं, सिमिलर ट्रेट्स ड्यू टू द सेम ज्योग्राफिकल रीजन। सो दिस इज ट्रू, इसी का ही एक्सटेंशन जो है या एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। सिमिलर ट्रेट्स मे नॉट बी होमोलोगस बिकॉज दे कैन बी द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इज दैट क्लियर? बिल्कुल प्याली, ज्योत्सना, हाँ जी दिगांता, बिल्कुल। अब देखिए अगेन फोर्थ, होमोलोगस कैरेक्टर में शो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी बट फंक्शन डाइवर्सिटी, दैट इज वेरी ट्रू। वो तो अपन लोगों को पता ही है, सबसे ज्यादा इजी है, बिल्कुल सही, दिस इज अगेन बिल्कुल सही। बचा क्या, बचा ये, इसमें भी आपको क्या पता होना चाहिए था, टैपोमॉर्फी क्या होती है, दैट यू हैव टू नो। ठीक है, देखिए होमोलोगस स्ट्रक्चर आपको पता है, एनालोगस स्ट्रक्चर आपको पता है, अपन लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सिमिलर स्ट्रक्चर डिफरेंट स्ट्रक्चर, यहाँ पर सिमिलर स्ट्रक्चर है लेकिन डिफरेंट फंक्शन है, यहाँ पर कॉमन एंसेस्टर्स हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डिफरेंट स्ट्रक्चर इन केस ऑफ एनालॉगस लेकिन उनका फंक्शन सेम होता है, यहाँ पर कॉमन एंसेस्टर्स की बात हम नहीं करते हैं, यहाँ पर हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन देखते हैं। टैपोमॉर्फी ये क्या है, एक इवोल्यूशनरी पैटर्न है, यहाँ पर ये जितने दिखा रखे हैं ना, एपोमॉर्फी, प्लीजोमॉर्फी, टैपोमॉर्फी, होमोप्लाजी, स्नैपोमॉर्फी, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे इवोल्यूशनरी पैटर्न्स हैं, है ना, है ना, आपको दिख रहा है ना, फाइलोजेनेटिक ट्री, कॉमन एंसेस्टर्स हैं, डिफरेंट टेक्सास हैं। टैपोमॉर्फी में क्या होता है, एक डिराइव ट्रेट जो कहीं प्रेजेंट नहीं है, ये एंसेस्टर में यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, डिराइड में कहीं पर भी नहीं, एक यूनिक टेक्सा में ये प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं टैपोमॉर्फी। CSI का फेवरेट है, एक दो बार पूछ चुका है, याद रखिएगा। गिव योर सेल्फ 2 मार्क्स अगर आपने इसका आंसर सही दिया है तो, अदरवाइज डिडक्ट 1 मार्क। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज दैट क्लियर एवरीवन? पहले से मुझे जल्दी जल्दी बता दो, इज दैट क्लियर, सबको क्लियर है एकदम? यश शिवानी, ओके ग्रेट। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड प्लीज सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, इफ यू फील सो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी, प्लीज देखिए सभी के सभी एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट।
please stop everyone, please stop, your time is over. अगेन ब्रेन एंड मैकेनिज्म से बड़ा इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं जो इस पार्ट से पूछे जाते हैं. देखिए प्लीज़ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यहाँ पर था क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था तो मैंने इसको इस तरीके से इस पर एडजस्ट किया. व्हेन द इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स ऑफ द टू रिसेप्टर्स A1 एंड A2 इन अ नॉक्टुएट मोड दैट वॉज एक्सपोज टू अ वेराइटी ऑफ साउंड वॉज मेजर, इट प्रोड्यूस द फॉलोइंग पैटर्न. बोल रहा है एक नॉक्टुएट मॉथ है, ठीक है, इंसेक्ट, वहाँ पर जब उसको वेराइटी ऑफ साउंड, साउंड एक स्टिमुलस है, जैसे लाइट एक स्टिमुलस है ऐसे साउंड भी एक स्टिमुलस है, दिया गया अलग अलग इंटेंसिटी का, उसके दो रिसेप्टर्स ने अलग अलग तरीके से जो है रिस्पॉन्स शो किया इम्पल्स के फॉर्म में, राइट. दिस इज द A1 रिसेप्टर, दिस इज सेकेंड रिसेप्टर जिसकी रीडिंग्स नोट की गई है. पहला है लो इंटेंसिटी स्टिमुलस न्यूरल एक्टिविटी, जब बहुत ही कम साउंड दी गई, सिग्नल दिया गया तो हमें ऐसी न्यूरल एक्टिविटी मिली A1 रिसेप्टर में. A2 रिसेप्टर में लो इंटेंसिटी पर कोई भी सिग्नल या न्यूरल एक्टिविटी नहीं मिली. दूसरे में क्या किया, साउंड को थोड़ा सा एम्पलीफाई किया एंड न्यूरल एक्टिविटी देखी, तो ये देखिए अगेन पास पास और इंटेंसीफाई A1 रिसेप्टर में न्यूरल एक्टिविटी मिली, A2 में फिर भी नहीं मिली. जब थर्ड टाइम हाई इंटेंसिटी स्टिमुलस दिया गया, बहुत तेज साउंड दी गई, तब देखा A1 रिसेप्टर ने रिस्पॉन्ड किया, A2 रिसेप्टर ने भी रिस्पॉन्ड किया. एक तो ये पूरा दिया हुआ था, नेक्स्ट दिया हुआ है इंडिविजुअल A1 रिसेप्टर के बारे में. जब न्यूरल रिसेप्टर को हाई फ्रिक्वेंसी पल्सेस मिलती हैं तब हम देखते हैं ऐसे 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 कंसिस्टेंटली जो है जब जब दिया जा रहा है वेव्स जो है वो ट्रैवल कर रही है, इन्फॉर्मेशन पास हो रही है, न्यूरल एक्टिविटी नोटिस हो रही है. लेकिन अगर एक स्टेडी साउंड, एक जैसा साउंड दिया जा रहा है तो स्टार्टिंग में मिलता है फिर फ्लैट हो जाती है चीज़ें. ये आपको इंटरप्रेट करना था, ये टोटली लैंग्वेज वाला पार्ट था, कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं था. आपको इनकरेक्ट चीज़ बतानी थी, सिर्फ इनकरेक्ट. पहली स्टेटमेंट देखते हैं, द A1 रिसेप्टर इज सेंसिटिव टू साउंड ऑफ लो टू हाई इंटेंसिटी. जो A1 रिसेप्टर है वो लो टू हाई इंटेंसिटी साउंड के लिए जो है वो सेंसिटिव है. वो लो में भी दिखाता है, मीडियम में भी दिखाता है, हाई में भी दिखाता है. इज दैट ट्रू एवरीवन? आप मुझे खुद आंसर देते चले जाओ, आपने समझ ली है चीजें. इज दैट ट्रू एवरीवन? बताओ, बिल्कुल आपको ये चीज दिखाई दे रही है तीनों में, लो पर, मॉडरेट पर, हाई पर, तीनों जगह शो कर रहा है. दिस इज डैम ट्रू, एकदम ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है. सेकेंड में बोल रहा है द A2 रिसेप्टर बिगेन्स टू प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल स्पाइक नर्व इम्पल्स, इंफॉर्मेशन जिससे ट्रैवल करती है, ओनली व्हेन साउंड इज लाउड. क्या ये बात सही है कि A2 रिसेप्टर तभी काम करता है जब बहुत हाई फ्रिक्वेंसी साउंड होती है? हाँ जी बिल्कुल सही है, लो और मॉडरेट में तो हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, बिल्कुल सही. फिर आता है थर्ड पॉइंट, बोथ द रिसेप्टर हैव सिमिलर रिस्पॉन्स टू हाई इंटेंसिटी साउंड. Is that a correct statement, everyone? Is that a correct statement? Yes, this is also a correct statement. क्योंकि आप देखते हो कि दोनों में ही similar, identical नहीं बोल रहा है, similar बोल रहा है, एक जैसा जो है वो response मिलता है. This is again damn true. क्या बचा? ये बचा, and यही false था, यही answer था कि A1 receptor fires much more frequently to study uninterrupted sound than high frequency. उल्टा बोल रहा है, ये उल्टा बोल रहा है यहाँ पर. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट एवरीवन, क्योंकि हमें पता है हाई पर ऐसी एक्टिविटी आ रही है, स्टडी पर ऐसी एक्टिविटी नहीं आ रही. इज दैट क्लियर? गिव योरसेल्फ 4 marks अगर आप लोगों ने ये आंसर सही किया, अदरवाइज डिडक्ट 1 mark. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, दिस इज आर नॉक्टुइड मॉथ जिस पर एक्सपेरिमेंट किया गया एंड उसकी न्यूरल एक्टिविटीज को नोटिस किया गया दो रिसेप्टर्स के रिगार्ड में, A1 एंड O2. चलो अब थोड़ी सी तुम्हारी मैथमेटिक्स देखते हैं, एवरी वन ऑफ यू. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज सी दिस क्वेश्चन, दिस इज अगेन अ सेक्शन सी क्वेश्चन एवरी वन, प्लीज सी दिस.
ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा याद कर लो, थोड़ा सा याद कर लो ट्रिग्नोमेट्री को, सभी के सभी सबने पढ़ी है 10th क्लास में। ओके एवरी वन प्लीज स्टॉप, टाइम इज ओवर। एंड अगेन बहुत सारे आंसर्स, बहुत बढ़िया। अ बॉन्ड आउल सिट्स ऑन इट्स पर्च 10 मीटर अबव द ग्राउंड। एक उल्लू है, ठीक है, वो बैठता है। कहाँ पर बैठता है वो उल्लू? वो उल्लू बैठता है पर्च यानी कि शाखा पर, ठीक है, उल्टा नहीं बैठा है, सीधा ही बैठा हुआ है। अब थोड़ा सा कंसिडर कर लो इसी को। इट हियर्स अ माउस अंडरनीथ ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ अल्फा शोन इन द फिगर बिलो। अब ये कैसे शिकार करते हैं? ठीक है, साउंड को सुनते हैं, साउंड वेव्स, साउंड को सुनते हैं, बहुत सेंसिबल होते हैं इस चीज़ के लिए। आपको बताना है द एरर रेंज विद विच इट कैन लोकेट द माउस ऑन द ग्राउंड इज गिवन बाय वॉट। सिंपल सा इसमें फॉर्मूला लगाना था, सिंपल सा इसमें फॉर्मूला लगाना था। करेक्ट आंसर आप सभी ने दिया, आई गेस किसी ने भी गलत आंसर नहीं दिया। वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपली अपन लोग पढ़ते थे ना 10 थीटा की वैल्यू अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, तो वही आपको बताना था। इस तरीके से जो है बाउंड और बाण जो है आउल बैठा हुआ है एंड किस पोजीशन में वो लोकेट करेगा, उसमें सिर्फ ग्राफ आपको ऐसे दिया हुआ था। थीटा एंगल ये था, अगेन राइट एंगल ये था, आपको सिर्फ ये चीज़ बतानी थी। अगेन दैट विल बी एक्स, कितना डिस्टेंस है पूरा ग्राउंड से एंड कितनी हाइट है जो आपको दे रखी है। यस हाँ, वही मैं समझ गई, वो थोड़ा सा ट्विस्ट था, वही आपको पहचाना था 4 नंबर में, ठीक है जी। भास्कर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वन इज़ द राइट आंसर। 4 मार्क दीजिए। अगर देखिए ऐसे भी सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं 4 4 नंबर के, अगर आपके थोड़ा सा बेसिक, मैं हमेशा बेसिक को क्यों इंपॉर्टेंस देती हूँ, क्योंकि बिलीव मी अगर आप लोग बेसिक अच्छा करते हैं, आपकी नेम स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली यू कैन रॉक, दैट इज द मेन थिंग। ओके एवरी वन। एंड कुछ स्टूडेंट्स जो है, निकी एक्चुअली माई लैपटॉप इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, अगेन आई एम नॉट टेकिंग योर क्लासेस फ्रॉम माई लैपटॉप, आई बॉरोड इट फ्रॉम अ फ्रेंड। जैसे ही मेरा ठीक होता है लैपटॉप, आई विल कंटिन्यू टेकिंग द माइक्रोबियल जेनेटिक्स एंड रेस्ट ऑफ द बेसिक सेशंस ऑन गुरु मंत्र, ठीक है। आज बड़ी मुश्किल से आई। ओके लीव इट एवरीवन। तो कुछ बच्चे जो है न्यू बैचेस के बारे में पूछ रहे थे, तो देखिए मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, होपफुली आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है, वहाँ पर मैंने अपना एक नंबर शेयर किया हुआ है, उस नंबर पर आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो अगर आपको अनअकैडमी रिलेवेंट क्वेरीज हैं तो, ठीक है। चलिए तो आप मुझे बताएं व्हाट इज़ योर स्कोर फॉर टुडे। आउट ऑफ 16 आप लोगों ने आज कितना स्कोर किया बताइए, कितना स्कोर किया आज आप लोगों ने? एंड डेफिनेटली और सेशंस भी हम करेंगे, ऑलरेडी मैं आप लोगों को पूरा स्केड्यूल दे चुकी हूँ, मेक श्योर आप प्रिपेयर करते रहें। बहुत बढ़िया श्रिषा, ओके कैट ब्रो 10 मार्क्स, 16 विकास, बहुत बढ़िया, ग्रेट रेनू, बहुत प्रियंका के एम। अनअकैडमी की क्लास कल है देवप्रिया, 5 बजे की जो क्लास है वो कल है, ठीक है। आई कैन सी सम गुड स्कोर्स एंड डेफिनेटली जिनके भी थोड़े से कम है,
इवेंचुअली हम आगे भी और सेशंस करेंगे, डेफिनेटली आप इम्प्रूव करोगे, आई कैन बेट दैट। ठीक है, तो होपफुली चीज़ों को आप फॉलो करेंगे, सुनेंगे। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ अच्छे तरीके से। आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हो, नेहा तनेजा नाम से सर्च कर सकते हो। प्लस क्लासेस शुरू होने वाली हैं जिसमें मैं बहुत सारी बैचेस, बहुत सारी क्लासेस न्यू बैच में, अपकमिंग बैच में, अपकमिंग और अपकमिंग बैचेस में लेने वाली हूँ डिटेल में। फ्री सेशंस भी आप देख सकते हो, डेली लाइव क्लासेस भी होती हैं। प्लस में अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे फेसबुक पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, आप मुझे फॉलो कर सकते हो नेहा तनेजा एंड गुरमंत्र ऑफिशियल आईडीज पर, एंड अगेन गुरमंत्र पर भी, टेलीग्राम चैनल पर भी आप मुझे से बात कर सकते हो। वहाँ पर एक नंबर शेयर है, आप मुझे कॉल कर सकते हो। होपफुली आज का सेशन, इवोल्यूशन का सेशन, जिसने थोड़ा सा टाइम लगा दिया आने में, ग्रेजुअल प्रोसेस है, थोड़ा धीमा हो गया, कोई बात नहीं, बट आज हमने कंप्लीट करा, कुछ सीखा, वो चीज़ मायने रखती है। ऐसे अभी अपन को दो सेशंस और प्रैक्टिस करने हैं, फिर हम शायद स्विच करेंगे नेक्स्ट यूनिट पर। तो आई विल इन्फॉर्म यू ऑन टेलीग्राम जैसे ही सेशन होता है, होपफुली कल या परसों, जैसे भी होता है आई विल इन्फॉर्म यू। मिलते हैं फिर जल्दी, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन एवरीवन। प्रियंका ऑलरेडी मैं स्केड्यूल शेयर कर चुकी हूँ टेलीग्राम पर, आप देख सकते हो, पूरा 2 महीने का स्केड्यूल मैं शेयर कर चुकी हूँ, प्लीज़ देखिएगा उसको, ठीक है? आगे सारी इंपॉर्टेंट यूनिट्स पर भी हम फोकस करने वाले हैं। चलिए, कल भी एवोल्यूशन पर भी ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, सी यू सून एवरीवन, टेक केयर।